भागलपुर जिले में आपराधिक घटनाओं में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। हत्याओं का दौर लगातार जारी है। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां पछियारा बहियार के बगीचे से एक अधेड़ का छत विच्छत शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कजरेली पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान चांदपुर निवासी 50 वर्षीय सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक की बेटी करीना भारती ने बताया कि कजरेली स्थित पिता का टेंट हाउस का दुकान है, वहां पर ठेला चलाने का काम मिथुन मंडल नामक युवक करता है। उसकी पत्नी से पिता का अवैध संबंध था, जिससे नाराज मिथुन ने ही पिता की हत्या करवाई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे मृतक दुकान पर गया था, देर रात हो जाने के कारण वापस नहीं लौटा, तो घर से कई बार मृतक के मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह 6 बजे घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को फोन पर दुकान के स्टाफ राजेश पंडित ने दिया। बगीचा में सुनील कुमार का छत विछत अवस्था में लाश बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजन बगीचा पहुंचे और वहां पर सब की शिनाख्त की। मृतक को धारदार हथियार से गला रेता गया है, पेट पर भी चाकू मारने के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। 7 बजे पापा घर खाना खा के 7-8 बजे निकले, उसके बाद फिर जब रात हुआ पापा 10 बजे तक घर रोज आ जाते थे, कल रोज पहले तो शाम में ही आ जाते थे, कल नहीं आए। हमको लगा 10 बजे आ जाएंगे घर, तो फिर नहीं आए। तब मम्मी नीचे आई छत पर से, बोलती फोन करने पापा को, पापा को फोन की मोबाइल नहीं लगा। फोन रात भर उसको फोन किए, व्हाट्सएप पे भी हम फोन किए, बंद बता रहा है मोबाइल उसका। फिर सूचना मिला, सबको हम फोन किया, पापा का जितना दोस्त सब है जहाँ पापा जाते थे, तब फिर फोन किया तो पता चला कि कहीं नहीं गए पापा। कोई बोलता था कि कल परसों ही भेंट हुआ था, कोई 4 दिन पहले हुआ था। फिर जो है पता चला, मेरा भाई पता किया तो बोला कि कल शाम में ही पापा घर वहाँ दुकान पर से निकले थे। टेंट का काम करते हैं शादी में। सुबह फिर हम राजेश पंडित एक लती लेबर है उसको हम फोन किए, पहले इस रात में भी उसको फोन किया, वो बार बार किया, रिसीव नहीं किया, बोला कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, वो भी अभी यहाँ नहीं है, वो पहले बताता था सब कुछ, अभी वो गायब है। क्या लगता है, काम करता था मेरे यहाँ, क्या लगता है हत्या का वजह क्या सकता है? वो एक ठेला वाला था रामदेव मंडल, उसका बेटी से पापा फोन करती थी, उसकी बेटी ममता नाम है उसका, तो वो एक बार फोन आया था ना, फोन की उठाए ना, फिर इधर से हम किए फोन, वो काट दी, वो गाली गलौज करने लगी। उसको हम बोले जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना तुमको हम बता जरूर बताएंगे। क्या लगता है कौन हत्या किया है? रामदेव मंडल, रामदेव मंडल का जमा है और उसका जो भी खानदान में होगा वही सब किया है, और उसकी बेटी ममता यानी कि रामदेव मंडल की बेटी, जमाए का नाम है मिथुन। वो मेरे घर पे भी आया था एक बार देखने के लिए सुनील का घर कैसा है, उसको हम पूछे भी थे, फोन किए हम कि हम उसको बोले थे तुम्हारी कन्या मेरे पापा फोन करता है साल भर से, हमको पिछले साल दुर्गा पूजा में फोन भी की थी, तो वो नंबर पता चला कि मेरी बहन बोली कि ये नंबर हम देखे हैं इस तरह का। जब हम घर गए अपना माई गया ना चांदपुर, तो वहाँ पे पता चला कि नंबर जो है वो सेम है जो मेरे मोबाइल पे फोन आया था। हमको पता नहीं था कि रामदेव मंडल की बेटी है, ठीक बाद में पता चला हमको कि रामदेव मंडल की बेटी है, राजेश पंडित है वो हमको बताया कि राजा वो जो है रामदेव मंडल की बेटी है।